नमस्कार, समाचार प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृता चौहान। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सदन की मर्यादा का पालन करवाना, अनुशासन में रहना, ये सब पार्टियों के सचेतकों की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सचेतक ही मर्यादाएं तार तार करते दिखे। सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ लगभग गाली गलौज की भाषा में उतर आए। कांग्रेस सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा और सरकारी मुख्य सचेतक मदन राठौड़ के बीच तीखी झड़प हुई। नियुक्तियों को लेकर हो रही बहस के दौरान मदन राठौड़ ने टोकाटाकी की, फिर दोनों तरफ से ओछे शब्दों की शुरुआत हो गई, जिस पर काफी देर तक सदन में हंगामा हुआ। जनता पार्टी की ये फितरत है, ये इसी तरीके से उजुल बुजुल असंसदीय मर्यादाहीन आपराधिक श्रेणी की टिप्पणियां करके और सत्ता में आना चाहते हैं, जनता को उद्वेलित करके और बांट करके हिंदू मुस्लिम के झगड़े करा करके सत्ता में आना चाहते हैं। इन्होंने अब की बार युवाओं के साथ जिस प्रकार का जो वादे झूठे वादे किए थे उसके कारण से आज मंत्री महोदय जवाब नहीं दे पाए। राजस्थान विधानसभा के साथ जहां बुधवार को कई मुद्दे उठे, वहीं अलवर में भ्रष्टाचार का मामला उठा, तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री कालीचंद सराफ ने विधायक कामिनी जिंदल के सवाल के जवाब में ये तक कह दिया कि सुराज संकल्प में की गई घोषणाएं बजट के लिए नहीं थी, वो पूरे 5 सालों के लिए थी। इस बयान के बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या 15 लाख नौकरियों को आखिरी साल में दिया जाएगा, किसानों को बिजली, रिंग रोड और मेट्रो पर फैसला आखिर साल में लिया जाएगा। किसानों की फसल लगातार खराब हो रही है। ज्यादा कोहरे के बाद अचानक तेज गर्मी ने फसलों को वक्त से पहले पका दिया तो जलाया भी, फिर अचानक बारिश और ओलावृष्टि हुई, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन आज विधानसभा में जो आंकड़ा आपदा राहत मंत्री ने पेश किया, उसने राजस्थान में किसानों की हालत को एक बार फिर से सबके सामने ला दिया। कटारिया ने बताया कि ओलावृष्टि से 20 जिलों के 54 तहसीलों में खराबा हुआ। प्रदेश में कुल 1007 गांव में फसल खराबा हुआ। 8 जिलों की 9 तहसीलों में सबसे ज्यादा खराबा हुआ। यहां पर 50% से ज्यादा खराबे की रिपोर्ट है। 5 मार्च तक का खराबा नियमित गिरदावरी में आ जाएगा। आपदा राहत मंत्री कहते हैं कि 5 मार्च तक 20 जिलों के 1007 गांव में गिरदावरी करा दी जाएगी और उसके बाद अगर खराबा होता है तो फिर विशेष गिरदावरी कराई जाएगी। ये जानकारी कांग्रेस विधायक के एक सवाल के जवाब में दी गई। आपको बता दें कि हर साल 1 फरवरी से 5 मार्च तक नियमित गिरदावरी कराई जाती है। वहीं कटारिया ने जानकारी दी कि ओलावृष्टि और बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हुए और 31 पशुओं को नुकसान पहुंचा है। इन आंकड़ों ने प्रदेश में किसानों के हाल को एक बार फिर से उजागर कर दिया, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार वक्त पर मुआवजा मिल पाएगा या फिर किसानों को हर बार की तरह रोना पड़ेगा। सवाल इसलिए भी क्योंकि कल ही आए बजट में किसानों को मुआवजे के लिए राशि को बढ़ाया गया है। जयपुर से पीयूष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और अब बात उस बिगड़ते सिस्टम को बयां करने वाले जिसको सुधारने के लिए सरकार लगी है, लेकिन सिस्टम है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान विधानसभा में एक और ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि एक तरफ कहा गया कि हर 2 दिन में कन्या भ्रूण हत्या होती है तो दूसरी तरफ कहा गया कि प्रदेश में लिंगानुपात बढ़ा है। आंकड़ों में सामने आया मानवीय चेहरा। 3 साल में मिले फेंके गयी 575 नवजात बच्चे, 3 साल में मिले हैं फेंके गए 264 भ्रूण और 3 साल में मिले हैं 186 लावारिस बच्चे। जी हाँ, हर दूसरे दिन एक नवजात और हर तीसरे दिन एक भ्रूण प्रदेश में मिलता है और हर दिन एक लावारिस बच्ची मिलती है। यह आंकड़ा आज जब विधानसभा में निकलकर सामने आया तो प्रदेश की जनता का अमानवीय चेहरा सबके सामने था। बीजेपी के विधायक निर्मल कुमावत ने सवाल खड़ा किया था। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उसको लेकर सरकार से आज मेरा सवाल था कि जो राजकीय कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति और प्रमोशन पे रोक है, उससे कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या में इसको बढ़ावा मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि इस फैसले पर दोबारा सरकार विचार करेगी। सवाल बीजेपी के विधायक का था और जवाब प्रदेश के गृह मंत्री को देना था। जब ये जवाब मिला तो हर कोई संत था। इसको रोकने के लिए बाकायदा बीजेपी विधायक कुमावत ने कुछ सुझाव भी दिए और मेरी मांग भी थी कि 2 पुत्रियों तक एक ही यूनिट उसको माना जाए। उस पर भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस पर सरकार ताकि कन्या भ्रूण हत्या पे
रोक लग सकती है। इन सुझावों के जवाब में कटारिया ने कहा कि दूसरी शादी के बाद तीसरा बच्चा होने पर प्रमोशन में रोक का प्रावधान हटा दिया गया, लेकिन बाकी मामलों में तीसरी संतान होने पर 5 साल तक प्रमोशन रोकने का प्रावधान अभी तक बदला नहीं गया। लेकिन इसके बाद जो आंकड़े गृह मंत्री ने पेश किए, उन आंकड़ों ने थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई। कटारिया ने बताया कि प्रदेश में 2011 के जनगणना में लिंगानुपात 888 था। पीसीपीएनडी एक्ट की कड़ाई से पालना की गई। सोनोग्राफी मशीनों की ट्रैकिंग के अभियान चलाए गए और इसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्याएं कम हुई है। 2015 में लिंगानुपात बढ़कर 929 हो गया, यानी लिंगानुपात में बढ़ोतरी और भ्रूण हत्या में कमी एक अच्छा संदेश है। लेकिन इसके बाद भी हर तीसरे दिन एक भ्रूण मिलना और हर दूसरे दिन नवजात बच्ची का मिलना कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जयपुर से पीयूष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। प्रदेश में कांग्रेस मुद्दे उठा रही है, सरकार जवाब दे रही है और जवाब पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा में बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस विधानसभा के बाहर बिखर रही है और यह बिखराव साइबर वॉर में बदल गया है। जम्मा जम्मा 4 दिन की बात है जब राहुल के मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस का हर वो हाथ एक साथ था जो अक्सर एक दूसरे को खींचने का काम करता है। उस वक्त लगता था कि कांग्रेस करारी हारों से सीख ली, एक साथ हो रही है, एकजुट हो रही है। लेकिन जैसे ही भरतपुर के विधायक विश्वेंद्र सिंह ने सचिन पायलट के समर्थन में सभी का हाथ उठा सहमति मांगी तो लगा कि सब एक है। लेकिन इसके बाद सचिन के ही गढ़ में यानी अजमेर में अशोक गहलोत ने ये कहा कि चुनाव किसी न किसी के नेतृत्व में लड़ा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होता है। और विश्वेंद्र की आदत रही है कि बात बात पर हाथ खड़ा कर देते हैं। हंगामा हो गया और हंगामा बढ़ते बढ़ते साइबर वार में बदल गया। ये साइबर वार की वो दो बोल है जहां एक पर सचिन का महिमा मंडल है तो दूसरी पर अशोक गहलोत का। इस जंग में एक तरफ सुशील असोपा है जो सचिव है तो दूसरी तरफ लोकेश शर्मा है जो गहलोत समर्थक है। एक तरफ गहलोत पर वार करते हुए अशोक असावा लिखते हैं कि इतना राजनीतिक ऐश्वर्य भोगने के बाद संन्यास ले लेना चाहिए, तो वही लोकेश शर्मा लिखते हैं कि सचिव असोपा जी की चापलूसी की पराकाष्ठा देखिए, किस तरह अपने पदाधिकारी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। अशोक गहलोत जी को क्या करना चाहिए बता रहे हैं, खुद को भीष्म और सचिन पायलट को द्रौपदी कह रहे हैं और इनके नहीं बोलने से उनका चीर हरण हो रहा है। ईश्वर ऐसे लोगों से बचाए जिन्हें जुम्मे जुम्मे 4 दिन कांग्रेस में आए हुए हैं। अब ये चीर हरण क्या पूरी कांग्रेस का नहीं है, जिनके अंदर की रंजिश आज खोले तौर पर जनता के सामने है। और साइबर वॉर कुछ ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं की उतारने में लगे हैं, धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। जयपुर से नीरज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कोटा एसीबी ने 12,000 रूपये की रिश्वत लेते खान विभाग के सहायक अभियंता फोरमैन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कॉपरन निवासी ठेकेदार हरीश प्रसाद नागर ने शिकायत की, उसने कॉपरन में सरकारी योजना के तहत मिट्टी डालने के लिए एसटीपी के लिए आवेदन किया था, जिसकी निर्धारित फीस 17,840 रूपये थे, जिसे जमा भी करवा दिया था। इसके बावजूद सहायक खान अभियंता देवीलाल वंशीवाल, फोरमैन जयप्रकाश मीणा और एजेंट आनंद 20,000 रूपये की मांग कर रहे थे। लिहाजा शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी की टीम ने देवीलाल को 5,000 और आनंद को 7,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जब ट्रेवला तो दलाल जो आनंद है, उन्होंने 7,000 रूपये अपने सेपरेट पृथक से लिए जो रंगे हाथों पकड़े गए, और 5,000 रुपये वंशीवाल खुद ने पकड़ा है। नागौर में भी एसीबी ने एक पटवारी को रिश्वत लेते धर दबोचा। जाल तहसील के ढेहरी हल्का पटवारी ओमपुरी को एसीबी ने 1,800 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पटवारी ने परिवादी हरमा नाराम से जमीन का नामांतरण खुलवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत एसीबी से होने के बाद जांच सही पाए जाने पर एसीबी ने रंगे हाथों पटवारी को धर दबोचा। हमारे पास परिवादी से हरमा नाम जो बरसुना गांव का रहने वाला है, उसने 1 मार्च को आकर शिकायत की थी कि मेरे म्यूटेशन जमीन का बनवाना है। उसने मुझे पटवारी 2-3 बार चक्कर दे रहा है, काम नहीं कर रहा है,
मेरे से पहले भी इस बाबत उसने लगभग 6000 रुपये ले चुका है, उसके बावजूद मेरा काम नहीं कर रहा है और अब वो और पैसों की डिमांड कर रहा है, जिस पर हमने भौतिक सत्यापन इसका करवाया गया तो उसने 2000 रुपये की मांग की थी पटवारी ने और आज उसको रंगे हाथों में रिश्वत लेते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मुख्य द्वार के बाहर उसको हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी कोटा द्वारा खानवा के अतिरिक्त माइनिंग इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बाद टीम ने उसके उदयपुर स्थित आवास में तलाशी ली। अलमारी और लॉकर के साथ पूरे घर को खंगाला गया। इस दौरान एसीबी की टीम को मकान के अंदर से सोने और चांदी के गहने और जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिस पर एसीबी की टीम गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। एसीबी ने कोटा में खानवा के एएमई को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। कोटा एसीबी टीम ने, कोटा रूरल टीम ने अपने एएमई हैं असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर श्री देवीलाल जी बंसीवाल है उनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था और कोटा एसीबी की सूचना पर उदयपुर में उनके न्यू अशोक नगर स्थित मकान पर हम तलाशी लेने के लिए आए हैं। बूंदी में कोटा इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जिसे देखकर मंडी में कई व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर फरार हो गए। मंडी में कर गया मार्च में सभी फॉर्म और व्यापारी वित्तीय महीना होने की वजह से आईबीआई की क्लोजिंग में लगे होते हैं, ऐसे में इनकम टैक्स विभाग की कई टीमों की कार्रवाई जारी है। राजधानी के रामगंज थाना इलाके में एक युवती ने अपने पड़ोसी युवक के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया। युवती की माने तो युवक दीपक नाथ ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और नशे की हालत में रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाए जिसके नाम पर वो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी युवती को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने साथ कोटा ले गया और वहां पर भी दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल आरोपी मौके से फरार है जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। युवती ने कोर्ट के माध्यम से एक रिपोर्ट दर्ज कराई है हमारे यहाँ कि उसको उसके पड़ोस में रहने वाला एक युवक बहला फुसला कर उसको ले गया, उसकी असली फोटो ले ली, वीडियो क्लिप बना ली और उसका उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच की जा रही है। जयपुर के गांधी नगर थाना इलाके में 26 जनवरी की सुबह एक नर्स से गैंगरेप मामले में पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी रामकिशन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बस्ती का रहने वाला है जिसके खिलाफ कई थानों में चेन स्नैचिंग, नकबजनी, लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस की माने तो आरोपी को पकड़ते वक्त उसने पुलिस पर भी हमला किया जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। बहरहाल अब इस मामले के सभी 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है जिनसे पूछताछ की जा रही है। शुरू में 3 लड़कों का आया था, उस लेडी ने बोला, धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम चला कि 2 मोटरसाइकिल पे 3 और 3 6 जने लड़के थे। 5 लोगों हमने धीरे धीरे पकड़ लिया था, ये लास्ट आदमी हमारा जो रह गया था उसको कल हमने गिरफ्तार किया। के श्यामनगर थाना इलाके में एक निजी स्कूल के वैन चालक पर मासूमों के साथ देश शोषण का मामला दर्ज हुआ है। मामला टर्टल प्ले ग्रुप स्कूल से जुड़ा है जिसकी वैन चलाने वाले दिलीप सिंह अधिकारी के खिलाफ बच्चों के साथ देश शोषण का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि दिलीप मासूम बच्चों को स्कूल की छुट्टी होने के बाद वैन में बिठाकर शमशान जगह ले जाता है, वहां पर छेड़छाड़ करता है, अगर कोई बच्चा इसका विरोध करता है तो उन्हें चलती वैन से फेंकने की धमकी देता है। बाद जब परिजन तक पहुंची तो स्कूल के बाहर परिजन जमा हुए, स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बहरहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टर्टल स्कूल, टर्टल प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल है, उसके एक पढ़ने वाली बच्ची है, उसके साथ में ड्राइवर जो वैन का चालक है उसके द्वारा छेड़खानी करना, पिछले समय से इनके साथ में गलत हरकत करने का मामला लड़की की बच्ची की मां की तरफ से दर्ज कराया गया है। वो हमने छेड़छाड़ और पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज करके और आरोपी वैन चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। 7 साल से इंसाफ की उम्मीद पाले बैठे एक परिवार के सब्र का बांध तब टूट गया जब उसने फिर से नाउम्मीदी का दामन थाम कर आत्मदाह का रास्ता चुना ताकि वो अपनी आवाज को गूंगे सिस्टम के कानों तक पहुंचा सके। दिल्ली में जब विजय चौक के पास एक शख्स ने अचानक खुद पर केरोसिन डालकर आग लगाने की कोशिश की तो मीडिया का हर कैमरा उस तरफ घूम गया। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और दिल्ली के उस चौक पर ही ऐसा क्यों किया गया जो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है, संसद की तरफ जाता है,
और जहां मीडिया का हुजूम हर वक्त होता है, लेकिन जब इस तस्वीर के साथ राजस्थान के नोहर कस्बे की यह तस्वीर सामने आई तो फिर पूरी गुत्थी खोलती दिखाई दी। एक तरफ आत्मदाह तो दूसरी तरफ टंकी पर चढ़ी एक लड़की और एक आदमी, इन दोनों का कनेक्शन राजस्थान के चकराजासर हत्याकांड से जुड़ा है। दोनों ही जगह सीबीआई की जांच की मांग की गई। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? पीछे कर रहा है और ये परिवार पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए हर दर पर पहुंचा, हर जगह गुहार लगाकर जब परिवार हार गया तो एक बार फिर से मामले की सीबीआई जांच की मांग पर एक तरफ एक शख्स आत्मदाह करता नजर आया तो दूसरी तरफ टंकी पर चढ़े दिखाई दिए। लेकिन सीबीआई जांच की मांग क्या पूरी होगी अभी भी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। धौलपुर जिले की सुंदर कॉलोनी के रहने वाली एक नवविवाहिता ने थाने में इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष ने दहेज की डिमांड की। दहेज में कार की मांग पूरी न कर पाने की वजह से उसे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, लिहाजा पीड़िता ने महिला थाने जाकर पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज मांगने का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस पर भी पूरे मामले में शिथिलता बरतने के आरोप लगे हैं। तो मेरी शादी 26 जून 2012 को हुई थी। मेरे पापा ने सामर्थ्य से अधिक दहेज दिया, लेकिन मेरे पति और ससुरालीजन इसे संतुष्ट नहीं है और उन्होंने शिव डिजायर कार की मांग की है जो मेरे पापा के पास नहीं है। और मेरे शिव डिजायर कार की वजह से मेरे साथ आए दिन मारपीट होती है, मेरी बच्ची के साथ अभद्र व्यवहार होता है, मेरे साथ अभद्र व्यवहार होता है। और 14/10/2014 को मेरे देवर यशवंत सिंह ने मेरा हाथ काट दिया। रेड लाइट एरिया की जलालत भरे जिंदगी से तौबा कर शादी कर अपना घर बसाने वाली युवती के अपने ही जान के दुश्मन बन गए। वाकई अलवर से 15 किलोमीटर दूर बसे रेड लाइट एरिया के युवती से जुड़ा है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पुलिस सुरक्षा में धमाका लगाया। पीड़ित की माने जब से उन्होंने शादी की है तब से ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर पीड़ित दंपति ने कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज कराया और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। मैं 30 दिवाड़ी का रहने वाला हूँ। 2.5 महीने पहले योजिता से शादी करी थी, अपनी मर्जी से आई और मेरे से शादी करी। इसलिए मैं इससे जबरन धंधा करवाती थी और अगर ये ना करे तो इससे बच्चे को ये 3 साल का इससे और इससे रोटी नहीं देती, मारते पीते थे। मैं रेशम फैक्ट्री की रहने वाली हूँ और मैं वहाँ से अभी भाग के आई हूँ और मैंने इनके साथ शादी कर ली 2 महीने पहले और अब हम खुद ठीक रह रहे हैं। मेरे घर वाले लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं और 1-2 बार हमारे घर में तोड़फोड़ भी की और यहाँ पर आए अलवर में तो हमें मारने के लिए भी आगे 10-15 आदमी। और हम ये चाहते हैं कि अभी हमें पुलिस की जरूरत है और पुलिस वाले हमारी मदद करें। श्रीगंगानगर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई पुरानी आबादी के एक मकान में की, जहां से 3 लड़कियां एक संदिग्ध चलाने वाले मुख्य आरोपी यानी मकान मालिक को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई लड़कियां नेपाल मूल की रहने वाली हैं, जिन्हें यहां भाड़े पर बुलाया जाता था। पूछताछ करने पर इन लोगों ने सेक्स रैकेट चलाने की बात कबूली है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक गंगानगर के निर्देशानुसार इनकी गंगानगर शहर में बढ़ती हुई वेश्यावृत्ति को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर इनके मकान पर नोटिस दी गई मुखबिर की सूचना पर, जिस पर ये 3 लड़कियां नेपाल की रहने वाली मिली, जिनको डिप्टी साहब और मैं मिलकर के टीम के साथ दस्तियाब कर मानव तस्करी सेल में लाई गई। चाइल्डलाइन संस्था और मानव तस्कर विरोधी यूनिट ने राजधानी जयपुर में कार्रवाई करते हुए बरकत नगर से बंधक बनाकर रखी गई किशोरी को मुक्त कराया है। बताया जा रहा है कि मकान नंबर 24 में किशोरी को बंधक बनाकर रखने वाला मकान मालिक बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने देता था और घर का सारा काम करवाता था। मुखबिर की सूचना पर टीम मौके में पहुंची तो मकान मालिक ने खुद को रिटायर्ड एसपी होने की धौंस दिखाई, बच्ची को अपने ड्राइवर की बच्ची बताया, लेकिन बच्ची महिला सदस्यों को देकर उनसे मदद की गुहार लगाने लगी। इसके बाद बच्ची को मुक्त कराकर बजाज थाने लाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कपड़ा धोती थी, बाथरूम धोती थी, झाड़ू पोछा को दूसरी लड़की करती थी, वो जब छुट्टी करती थी तब मैं करती थी। वो दांतों बोल रही कि अगर दोबारा कोई गलती करेगी तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। एक नाबालिग बच्ची है जिसका नाम पिंकी है और बरकत नगर में मकान नंबर 24 प्रताप नगर सेकंड से इलाका थाना बाजार नगर से उसको दस्तयाब किया है। जोधपुर में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, पुलिस लचर कार्रवाई के चलते पस्त होती जा रही है। ताजा मामला महानगर के एक रेस्टोरेंट का है जहां हफ्ता नहीं देने पर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। हैरत देखिए, तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, पुलिस ने फुटेज भी देखे लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना इलाके में हथियारों की नोक पर लाखों की डकैती की वारदात सामने आई। ये वारदात एक सब्जी व्यापारी के साथ हुई जिसके घर में दो अज्ञात युवक कुरियर देने के नाम पर घुसे। साइन करवाने के दौरान युवकों के साथ कई साथी हथियारों के साथ जबरन घर में घुस गए। आरोपियों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बनाने के बाद तिजोरी तोड़कर 4 लाख रूपये समेत गहने लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाँच की गयी। भरतपुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। दर्जन भर गांव से आए किसानों का आरोप है कि मौसम की बेरुखी के बाद उनकी फसल तबाह हो गई है लेकिन उनकी सुध नहीं ली गई। मुआवजे के नाम पर आश्वासन से परेशान हो चुके हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बूंदी के गेंदोली इलाके में किसान नहरी पानी को लेकर खासे परेशान हैं, लिहाजा घुसाए किसानों ने सीएडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। तेल क्षेत्र तक के गांव में नहरों का पानी नहीं पहुंचने से किसान नाराज हैं और उन्होंने सीएडी कार्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर गेट पर जूते की माला टांग दी, जमकर प्रदर्शन किया। किसानों की माने तो चंबल सिंचाई परियोजना के अधिकारियों की लापरवाही के चलते चापड़ा तेल क्षेत्र में नहरी पानी नहीं पहुँचने से खेतों में खड़ी गेहूँ की फसल सूखने लगी है। राजस्थान में सराफा व्यापारियों का एक्साइज ड्यूटी और टीसीएस लगाने पर विरोध लगातार जारी है। हड़ताल कहीं चल रहा है तो कहीं प्रतिष्ठान बंद कर विरोध जताया जा रहा है। 4 अलग-अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रदेश की, शुरू 12 तिवरी और लक्ष्मणगढ़ की, जहां पर सराफा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। कहीं पुतले फूके गए तो बाजार बंद रखा गया, कहीं रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर में एक बार फिर सफेद पोशों पर संवेदनहीनता के आरोप लगे। वाकया फतेहगढ़ के पीएचसी का है जहां डॉक्टर ने बच्ची को चेकअप के बाद इंजेक्शन लगाया, अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। बच्ची को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया तो वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने बच्ची को मृत बताया और अब परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से ही बच्ची की मौत हुई। राजस्थान में रफ्तार का कहर टूटा है। जालौर में भीनमाल रामसीन रोड पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 कारों की भिड़ंत हुई, 2 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुबई में हो रही शिया ओसियाना पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चुरू के देवेंद्र झाझड़िया ने देश का नाम रोशन किया है। झाझड़िया ने जवेलियन थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। झाझड़िया के इस पदक जीतने के बाद द गांव में जश्न मनाया गया। दरअसल खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से देवेंद्र का बाया हाथ बुरी तरह से जल गया था। झाझड़िया रियो पैरालंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। देवेंद्र के स्वर्ण पदक की सूचना के बाद परिजन को बधाई संदेश मिलने शुरू हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।